बात कर रहे हैं टाटा पावर की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो छोटे मोटे अपसाइड के साथ ही स्टॉक में क्लोजिंग देखने के लिए मिली। स्टॉक ने जब 460 के लेवल से रिजेक्शन लिया था, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था इस लो को तगड़े सपोर्ट के तौर पर यहाँ से स्टॉक रिकवरी दिखा सकता है, ऐसा हमने डिस्कस किया था। जहाँ से इससे पहले सपोर्ट लेकर 460 तक का जम दिखाया था, 430 का लेवल, 428-430 का जो लेवल है इसको मेजर सपोर्ट के तौर पर डिस्कस किया था। उसी सपोर्ट से स्टॉक ने रिकवरी दिखाई, बड़ी बाइंग देखने के लिए मिली उसी सपोर्ट से, और स्टॉक ने अपना जो मेजर रेजिस्टेंस था 440 का लेवल इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर क्लोजिंग दिखा गया है। तो अब टाटा पावर का यहाँ से खेल पलटते नज़र आ रहा है। स्टॉक इस बाउंस बैक के साथ अपने हाई को भी ब्रेकआउट करता नज़र आ सकता है। जंप आया है, गिरावट आई है, बाउंस बैक करके स्टॉक अपने इस हाई को ब्रेकआउट दे सकता है। 440 अब इसका इमीडिएट सपोर्ट है, जहाँ से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक किया नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा, और तगड़ा सपोर्ट 420 का लेवल रहेगा टाटा पावर के लिए। टाटा पावर का खेल अब पलटते नज़र आ सकता है। बड़ी बाइंग हमको लास्ट ट्रेडिंग डे में देखने के लिए मिली है, और स्टॉक ने अपने मेजर सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दिखाई है उसको ब्रेकआउट करके मेजर रेजिस्टेंस को। तो अब यहाँ से इमीडिएट टारगेट बनेगा 450 का लेवल। ब्रेकआउट कर जाता है तो 454, फिर अगला टारगेट 460 का लेवल जो कि इसका रेजिस्टेंस है। इससे पहले स्टॉक ने 2-3 दफ़ा उसी लेवल से हमको रिजेक्शन दिखाया है। इस बाउंस बैक के साथ ब्रेकआउट के चांस बनेंगे। अगर 460 के लेवल से बड़ा सेलिंग नहीं आता, इसके आसपास ही ट्रेड होता है, तो इसका ब्रेकआउट करता टाटा पावर नज़र आ सकता है। इसके ब्रेकआउट के बाद 470 और 480 तक के टारगेट आप इस बाउंस बैक के साथ टाटा पावर हमको दिखा सकता है। 480 फिर इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।